पन्ना जिला चिकित्सालय से एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जिसमें घरों की साफ सफाई कर परिवार का गुजारा करने वाली महिला के इलाज के लिए एक महिला सर्जन चिकित्सक द्वारा 5,000 की रिश्वत मांगने और पैसे देने का दबाव डालने वाले कर्मचारियों की बातचीत और वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। वहीं अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। जिस चिकित्सक पर आरोप लग रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी की सर्जन चिकित्सक बेटी है। मामला संज्ञान में आते ही सिविल सर्जन ने कर्मचारी को तत्काल निलंबित कर दिया और जांच के बाद डॉक्टर पर कार्रवाई करने की बात कही। रिश्वत लेने का वीडियो भी कहीं और का नहीं बल्कि जिला चिकित्सालय पन्ना के ऑपरेशन थिएटर का बताया जा रहा है, जहाँ दर्द से तड़प रही महिला के इलाज के बजाय चिकित्सक रिश्वत की मांग पर अड़ी रही और महिला मरीज को रीवा रेफर करने की धमकी देकर उसके पति से तानाशाही पूर्ण करती रही। वहीं अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्या मैडम वहाँ निकल जाएगा ठीक रहेगा यहाँ पे? अपने मरीज को देखना है, अपनी चीजों को देखना है, ऐसे थोड़ी ना कि कहीं पे कुछ भी कर देना है। वहीं अधिकारियों ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। इस वीडियो को पूरी तरह से निरीक्षण करेंगे और ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ का कोई चिकित्सक इन्वॉल्व है तो उसकी बहुत सूक्ष्म और विस्तृत जांच करेंगे और जांच करने के बाद यदि कोई चीज़ प्रमाणित होती है और यदि वो दोषी पाया जाता है तो इसके लिए जो भी शासन के तहत दंड का प्रावधान वो दिया जाएगा। सर ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, बिल्कुल भी इसको किसी भी स्थिति में इसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता है और ऐसी जो हमारे आज संज्ञान में लाई जा रही बात है उसको आज ही पूरी तत्परता के साथ तत्काल इस पर हम पूरी जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे और ऐसे आप भविष्य में ऐसी घटना न हो इसके लिए पूरी तरह से जो भी रोकथाम हमारे स्तर पे हो सकती है वो हम करेंगे। अब इसको जिसको आपने दिखाया स्पष्ट नहीं हो पा रहा है हमें, लेकिन हमारे यहाँ महिला डॉक्टर सर्जरी में एक ही डॉक्टर है, मैडम उपाध्याय हैं और हम उनसे भी बात करेंगे क्या ये आपसे संबंधित है कि नहीं। वहीं अब इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, पन्ना।